हेलो गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसी शॉर्टी लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग गेट इंजीनियरिंग सर्विस किसी या किसी पब्लिक सेक्टर में आए हुए प्रीवियस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पर उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया परसेंटेज टॉपिक बेस्ड है और ये गेट 2019 में आया हुआ है और आईएन ब्रांच में आया था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ये इसमें अगर लॉजिक एक कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता हो तो 10 सेकंड में आंसर निकाल सकता है। अगर किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द रेडियस एज वेल एज हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इंक्रीज्ड बाई 10%। एक कोन है, सर्कुलर कोन है, जिसका हाइट और रेडियस दोनों को 10% से बढ़ा दिया जा रहा है। द परसेंटेज चेंज परसेंटेज इंक्रीज इट वॉल्यूम, ठीक है। तो एक कोन होता है, सर्कुलर कोन कैसा होता है, ऐसा होता है इसका डायग्राम सर्कुलर कोन का, ठीक है। और ये रेडियस होता है आर और ये जो हाइट होती है ये होती है एच। बोला गया कि आर को बढ़ाया गया 10% से, हाइट को भी 10% से बढ़ाया गया है। तो डेफिनेटली जब यह एच बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही पूछा गया कि परसेंटेज वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका है, एक सिंपल सा तरीका ये है कि एक तो आप इसके रेडियस और एच को मान लो, कुछ सपोज करो कुछ मान लिए, ठीक है, मान के कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने मान लिया, एक ये मेथड है कि आप कुछ मान लो और उसके बाद इंक्रीज करके देख लो क्या चेंज हो रहा है। या फिर दूसरा एक ये तरीका है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं वो कंसेक्यूटिव परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं। कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज का एक सिंपल सा एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ अभी, कभी डिटेल में इसके, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊँगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं सीधे फार्मूला आपको समझा देता हूँ कि फार्मूला क्या होता है। देखो, समझने की कोशिश करना। जब कोई क्वांटिटी ए है और बी है, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट है, और एक कोई क्वांटिटी सी बन रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए को 10% बढ़ा रहे हैं, बी को 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सी में कितना परसेंट का चेंज होगा। तो सी में 20% का चेंज होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है, तो 20, ये 20 नहीं होता है। यहाँ पर जो चेंज होता है वो होता है 21%, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं 21%, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है x + y + xy/100, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक पहला x की वैल्यू क्या है 10%, y की वैल्यू भी कितनी है 10%, यानी कि हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100। तो यहाँ से आ जाएगा 21% का चेंज, यानी कि कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट फॉर्म में है, उनको अगर एक को 10% चेंज करना है, दूसरे को 10%, तो जो रिजल्ट आएगा वो 21% से बढ़ेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कि अगर मान लो कि 3 क्वांटिटी है, ए इंटू बी इंटू सी, ये 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट डी आ रहा है। अगर मैं इसको 10% बढ़ाऊं, इसको 10% बढ़ाऊं और इसको 10% बढ़ा दूं, तो डी में कितना चेंज आएगा। तो डी में 30% चेंज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि अभी हम चेक किए कि 30% तो नहीं आएगा। हम ये कैसे निकालेंगे, तो कंसेक्यूटिव परसेंटेज से निकालते हैं, कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज से। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो, अब तीन दो के लिए तो आप फार्मूला मैंने बता दिया, तीन के लिए तो कोई फार्मूला बताया नहीं। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों का निकालेंगे तो 21% आ जाएगा, क्योंकि 10-10 का दो कंसेक्यूटिव अभी निकाले थे 21%, और इसके साथ फिर 10% एक बचा, इन दोनों का एक साथ निकालेंगे। तो इस तरह निकालेंगे तो 21 + 11 + 21 × 11/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 33.1%, ठीक है। तो ये 33.1% से बढ़ेगा। अगर 3 नंबर है, तीनों नंबर को 10-10% बढ़ा रहे हो, तीनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट 33.1% से बढ़ता है। अब सीधे इस क्वेश्चन में आते हैं। इस फॉर्मूले को देखा जाए तो यहाँ पे 1/3 क्या है, एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल के आर, आर कितनी बार है, 2 बार आर है, और 1 बार एच है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया। अब ये कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ेगा घटेगा, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो इसमें जितना परसेंट चेंज हुआ, इसमें जितना परसेंट, इसमें जितना परसेंट, आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो सिंपल सी बात है कि 10% से बढ़ा है, फिर आर को 10% बढ़ा है, एच को भी 10% बढ़ा है, और 10-10 का 3 कंसेक्यूटिव क्या होता है, अभी तो निकाले थे, तो इन 10-10 का 2 निकालेंगे तो 21%, फिर 21 को 10 के साथ निकालेंगे तो 33.1%, यानी कि जो इसमें जो चेंज होगा वो होगा 33.1%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर राइट सर्कुलर कोन है, जो सर्कुलर कोन है, अगर उसका हाइट और रेडियस को 10% से बढ़ाते हैं, तो उनके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, 33.1% से इंक्रीज होगा वॉल्यूम, ठीक है। ये एक मेथड है शॉर्टकट निकालने का, और ये किस पे बेस्ड है, कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज पे। ये क्वेश्चन होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कमेंट करके बताना। ये परसेंटेज टॉपिक भी ये भी बेस्ड है, ये कंप्यूटर साइंस गेट 2019 में आया हुआ था। अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे PDF मटेरियल या क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।